हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कोकोनट मिल्क मेनली कंटेन्स। पूछा गया कि कोकोनट मिल्क में मेनली इनमें से कौन सा फाइटो हार्मोन था, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो हमें पता है कि जो कोकोनट मिल्क है, कोकोनट मिल्क की अगर हम बात करें, इसके अंदर मेनली क्या होगा, साइटोकाइनिन। सो ये जो है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें अगर हम देखें तो मीडियम में इसका यूज़ किया जाता है। तो मीडियम में अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, एक कैलस है, ये क्या है, कैलस। यहाँ मीडियम में जो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है क्या, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा है एक तरह से, तो एक तरह से सेल डिविजन प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि एफ स्कूक की अगर हम बात करें, एफ स्कूक एंड हिज कोवर्कर, इन्होंने सबसे पहले जब कैलस जो ऑप्टेन किया इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, तो वो जो कैलस है, कैलस को जब यहाँ ग्रो किया, मीडियम में क्या डाला, यहाँ पे ऑक्सिन डाला। और ऑक्सिन के अलावा यहाँ पे जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, देन ईस्ट एक्सट्रैक्ट, देन इसके अलावा कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए, तो ये जो यूज़ किया, इनका यूज़ करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, इसके प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोलीफरेशन देखने को मिल रहा है, प्रोलीफरेशन देखने को मिल रहा है। सो अकेले ऑक्सीजन जब रख रहे हैं तो नहीं, यहाँ पे इनके एडिशन करने से क्या हो रहा है, एक तरह से प्रोलीफरेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है बाद में पता चला कि इससे जब बाद में पता चला कि यहाँ पे जो साइटोकाइनिन जो होते हैं, साइटोकाइनिन ये प्रमोट करते हैं क्या, यहाँ पे जो है सेल डिवीजन जो है उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, तो कोकोनट मिल्क में मेनली कौन सा होगा, ये साइटोकाइनिन होगा यहाँ पे। और हमें पता है कि सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया साइटोकाइनिन, जो नेचुरल साइटोकाइनिन, जो ZAT है, वो कहाँ से, जो कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क वहाँ से। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये करेक्ट होगा यहाँ पे, एब्सिसिक एसिड नहीं, ऑक्सिन भी नहीं, जिब्रेलिन भी नहीं। करेक्ट आंसर विद दिस थर्ड वन। हुप एंड शुड क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।